जनपद संभल के चंदौसी में भारतीय जनता पार्टी जनपद संभल के नव नियुक्त जिला प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी देवेंद्र सिंह के प्रथम आगमन पर भाजपा के कोषाध्यक्ष अंकित जैन के कैंप कार्यालय खुर्जा गेट पर एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने परिचय दिया एवं फूल मालाओं से स्वागत किया। जिला प्रभारी देवेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रहित एवं समाज हित को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है और हर बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान योग्य है। इस दौरान जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह खडगवंशी, धीरेन्द्र यादव, अंकित जैन, सतीश अरोड़ा, मनोज खटेरिया, आकाश अग्रवाल, डॉक्टर टीएस पॉल, शुभम अग्रवाल, मीनाक्षी सागर, तरुण अग्रवाल, नीरज, पूर्व एमएलसी चंद्रपाल सिंह, पप्पू चौधरी, पालिका अध्यक्ष इंदुरानी दिवाकर, मनोज दिवाकर, मंजू दिलेर, गिरीश रतन, शरद शर्मा, राजकुमार ठाकरे, सभासद संजय सैनी, मुकेश सैनी आदि उपस्थित रहे। अभी जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसके संबंध में आज मंडलों की, पूरे उत्तर प्रदेश में मंडलों की बैठकें चल रही हैं। आज अंतिम दिन था और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों की आज सारी बैठकें संपन्न हो गई हैं मंडल स्तर की। आज यहाँ संभल जिले में 3 मंडलों की बैठकें थी, ये 3 मंडलों की बैठक पूरी करके अभी हम इधर आए हैं और इस चुनाव में पूरी तरह से कार्यकर्ता अपनी पूरी क्षमता के साथ इसमें लगेगा। अभी अप्रैल में संभवतः इसकी तिथि आएगी और उस चुनाव से संबंधित ही सभी कार्यकर्ता आज मंडल स्तर के सभी बैठकों में उपस्थित थे, उसी हेतु से आज मेरा प्रवास था। सभी चुनावों पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है, सभी चुनावों पे, चाहे वो लोकसभा का होगा चाहे वो जिला पंचायत का होगा। ये जो आपकी बैठक हो रही है तो क्या लोग उसके विधानसभा के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है? तो नहीं, जिला पंचायत की, तो आगे की रणनीति इसी के आधार पर चलेगी। जब जिला पंचायत का चुनाव हो जाएगा तो फिर विधानसभा की तैयारी करेंगे। किसान आंदोलन को आप सब लोग जानते हैं, मेरी से अच्छी तरह से आप जानते हैं, प्रेस से जुड़े हुए सभी बंधु हैं। इस आंदोलन को किस तरह से विपक्षी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां चला रही हैं वो आप सब लोगों से छुपा नहीं है। पहले तो हम ही बोल रहे थे, खाली आप बोलते थे कि साहब इसका नेतृत्व कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी कर रही है, लेकिन अब तो आप सब लोगों ने देख लिया, वो मंच पर जा रहे हैं, उनके मंच पर बोल रहे हैं, सब जगह सभाएं कर रहे हैं वो। तो राजनीतिक पार्टियों की जो जमीन छिन गई है उनके पास कुछ बचा नहीं है। मोदी जी जो देश में जिस प्रकार का काम कर रहे हैं उनको लग रहा है कि अब अपने पास कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो किसानों को भड़काना पड़ेगा। अच्छा, वो बॉर्डर पे जो कीले लगवाई गई हैं क्या वो विपक्ष ने लगवाई हैं? नहीं, वो तो सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से लगाई है, फिर कोई ऐसा 26 जनवरी की तरह कोई दूसरा चीज ऐसे ना दोहराई जाए, उसके लिए वो व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने की है। तो आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से लगाई नहीं? सरकार आई तो आप भी मान रहे हो, सरकार लगा रही है तो कोई किसान थोड़ी लगा रहे हो वहाँ। भाई प्रशासन इस बार किसी प्रकार की भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। 26 जनवरी को किस तरह का पूरे देश को शर्मिंदा करने का काम हुआ वहाँ, किसानों के आंदोलन से इस पर असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, किसानों का आंदोलन चल रहा है, सरकार बात कर रही है किसानों से। किसानों के, देखिए, किसानों से बात करने के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। यही एक ऐसी सरकार है जो किसानों के हित की सरकार है। बार बार वार्ता करती है किसान, बार बार बुलाती है। 1987 का आंदोलन आपको मालूम है, माननीय टिकैत जी, इनके राकेश जी के पिताजी बोट क्लब पर बैठे थे और कांग्रेस ने रातों रात बिजली काट करके मार करके किसान वहां से भगाए थे। लेकिन हम किसानों का बड़ा सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी इस तरह का काम किसानों के साथ नहीं करना चाहती। वो बार बार कह रही है कि अगर कोई दिक्कत है तो टेबल पर बैठ करके उसको सुलझाया जा सकता है, और हम बार बार बैठे, उन्होंने हर बार जिद की, क्योंकि उनके पीछे कम्युनिस्ट हैं, उनके पीछे कांग्रेस है, उनके पीछे लोकदल है, वो बार बार ये जिद कर रहे हैं कि नहीं, हमें इस पर बात नहीं करनी, हमें तो वापस चाहिए। कोई समाधान निकालना है तो वार्ता करनी पड़ेगी आपको। आपकी पार्टी के नुमाइंदे लोग हैं, क्या ये ग्रामीण क्षेत्र में बता रहे हैं कि तीनों बिल क्या हैं, आपको क्या फायदा है? बता रहे हैं हम लोगों ने बिल आने के बाद भी और बिल से पहले भी किसानों के बीच में जाकर के विषय बताया है, लेकिन इसकी जिद किसान नहीं कर रहा। आपको मैंने बताया इसके पीछे कौन है, लॉजिक है।
आप जनता के बीच हमने इस उत्तर प्रदेश में इतना विकास किया है, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, कानून व्यवस्था है या विकास चल रहा है, देख आप देख रहे हैं। मैं अभी जिस मंडल में गया था वहाँ के कार्यकर्ताओं से पूछा मैंने कि भाई यहाँ इतना हरियाली है और कभी भूड़ का क्षेत्र हुआ करता था, बोले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से है, ये जो क्षेत्र हरा भरा दिखाई दे रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से, क्योंकि आज यहाँ बिजली की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, यहाँ सिर्फ बारिश पर डिपेंड लोग थे, कोई बारिश नहीं वो नहीं होती थी वहाँ बिजली वगैरह। विपक्ष है पूरा मुद्दा उठाना था कि विपक्ष का है ये क्या किसान आंदोलन जो विपक्ष बरगला रहा है, आपने देखा होगा सीए के मैटर पर उन्होंने क्या कहा लोगों से कि आपकी आपकी यहाँ से अभी सीए लागू होने के बाद तुम्हारी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हिंदुस्तान से तुमको यहाँ से मान्यता खत्म कर दी जाएगी, तुम अपने कागज ढूंढो, इस तरह से भड़काया ना। लेकिन क्या अभी तक सीए का कानून लागू होने के बाद किसी भी मुस्लिम भाई की नागरिकता गई है क्या? नहीं गई। उसके पीछे कौन लोग थे? उसके पीछे भी यही लोग थे, ये कम्युनिस्ट लोग थे कि आपकी नागरिकता चली जाएगी जिस दिन ये सीए लागू हो गया, लेकिन किसी की अभी तक गई हो तो बताइए आप मुझे। उसी तरह से किसान आंदोलन के पीछे भी ये लोग खड़े हैं। योगेंद्र यादव उसको कोई पूछ नहीं रहा था, आज योगेंद्र यादव नेता हो गए वहां। आज लोकदल वाले जिस समय 87 में किसानों की पिटाई हुई वहां, तो अजीत सिंह जी केंद्र में मंत्री थे और अजीत सिंह जी खड़े रहे और पुलिस टिकैत जी को पीटती रही। आज वो लोग आंदोलन चला रहे हैं, वो खड़े हैं किसानों के पक्ष में, कह रहे हैं हम। और जिस दिन ये बिल आता है तो राकेश टिकैत का आपने वो बयान देखा होगा कि मेरे पिताजी का सपना साकार हो गया, कहा ना, वो तो रिकॉर्डेड है, वो कोई नहीं है। लेकिन आज क्या हो गया तुम्हारे पिताजी के सपने को? आज कैसे बदल गया सपना? सपना तो वही रहेगा ना जो था पहले, तो आज सपना कैसे बदल गया टिकैत साहब का? हम तो टिकैत जी का बड़ा सम्मान करते हैं, उनका सपना पूरा करने के लिए, यही कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि ये कानून आना चाहिए, वो कर नहीं पाए, हमने किया। हमारी चिंता है किसान मजदूर इस देश का पीड़ित शोषित वंचित, सब हमारी चिंता का विषय है। कोई भी कानून लागू करती है हमेशा विरोध करता है। करेगा, वो करेगा, हम देश हित में सब कुछ करते हैं।